फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलिज्म होता क्या है इन अ लेमेंस टर्म, अगर एक आम आदमी की भाषा में अगर बात की जाए, वैसे तो नेशनलिज्म का जो होराइजन है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम एक रूट की बात करें या बिल्कुल ही बेसिक्स की बात करके नेशनलिज्म होता क्या है, दैट इज फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल बाउंड्री, अगर मॉडर्न कंसेप्ट मॉडर्न डेफिनेशन बोलेंगे, क्योंकि नेशनलिज्म में नेशन इन्वॉल्व है और नेशन मींस इट इज अ पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक, क्लियर है? तो मतलब फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, क्या एंशियंट टाइम में फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ पर्टिकुलर लैंड था? आप बोल रहे हो नहीं था, ठीक है, उससे पहले कभी नहीं था, आपका यह कहना है कि उस वक्त जो रीजनलिज्म था आज वो रीजनलिज्म है, उस वक्त का नेशनलिज्म आज का रीजनलिज्म है, ये बोल रहे हो, यही बोल रहे हो, सुन लो, अखंड भारत तो बहुत बाद में आया है, अखंड भारत तो बहुत बाद की चीज है, द टर्म राष्ट्र, पहले राष्ट्र आएगा फिर ना राष्ट्रवाद आएगा, पहले नेशन होगा ना फिर नेशनलिज्म होगा, तो द टर्म राष्ट्र ये कब आ रहा है, मैंने आपको पढ़ाया है और इस चीज का जवाब आपसे सुनना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए मुझे, द टर्म राष्ट्र कब लिया गया है, किसने, आई मेड यू पीपल लर्न लाइक अ पैरट इन द क्लास, हाँ, लेटर वैदिक फेज, लेटर वैदिक फेज से पहले राष्ट्र नहीं था, लेटर वैदिक फेज से पहले राष्ट्र तब आया जब टेरिटरी की इंपॉर्टेंस बढ़ी, जब टेरिटरी को पकड़ने लगे लोग, अर्ली वैदिक फेज में तो पीपल वर नोमैड्स, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट पोजेस्ड वेल्थ, लैंड था क्या, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या थी, कैटल्स जो साथ में लेके घूमते थे, तो उस टाइम पे नेशनलिज्म क्या होगा, दे गिव इंपॉर्टेंस टू व्हाट, टू द ट्राइब विच दे बिलोंग, तो क्या वो नेशनलिज्म नहीं है, तो दैट नेशनलिज्म वॉज बेस्ड ऑन, ये भी तो नेशनलिज्म है कि अपनी ट्राइब, हम एक ट्राइब, ये मेरा कबीला, मेरे कबीले का ये सरदार, नेशनलिज्म ही था ना, हम गौर नहीं करते हैं बट था तो सही, तो मतलब पहले जिस ट्राइब को बिलोंग कर रहे थे उसकी इंपॉर्टेंस थी, फिर जिस लैंड को बिलोंग करने लगे उसकी इंपॉर्टेंस कब हुई, लेटर वैदिक फेज, ठीक, उसके बाद आप ये बोलो कि मराठा राजपूत की जिस रीजन पे वो थे, जिस रीजन पे वो रहते थे उस रीजन का नाम उनके ट्राइब के ऊपर ही होता था, राजपूताना, तो उनकी जो नेशनलिज्म थी वो राजपूताना तक ही थी, वो पूरी हिंदुस्तान में नहीं थी, मराठाज, मराठावाड़, क्या है मराठावाड़, उनकी टेरिटरी, तो उनकी नेशनलिज्म सिर्फ मराठावाड़ तक, नेशन का कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, मॉडर्न नेशनलिज्म में नेशन का कंसेप्ट ही अलग था और मॉडर्न स्टेट में, या मॉडर्न बोल सकते हैं कि सोसाइटी में, नेशनलिज्म का मतलब कुछ और है।
क्लियर है? एम आई क्लियर? जब तक किसी भी चीज की बैकग्राउंड या किसी भी चीज की रूट आपके पास नहीं है, आप उस चीज को समझ नहीं सकते। बैकग्राउंड रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा, इंफॉर्मेशन आती जाएगी, आप उसे सेट करते जाओगे, ऑटोमेटिक आपका दिमाग उसे कैच कर लेगा। अगर जड़ें मजबूत है तो, जड़ें जितनी मजबूत होगी पेड़ उतने समय तक टिकता है और उतने लंबा होगा, चाहे जितने भी डाले निकल जाए कुछ नहीं होगा उसे। ठीक है?